जहाँ का शिक्षा सुधर जाए, वहाँ का वातावरण, संस्कार और सारे कुछ सुधर जाता है, वहाँ का जो माहौल है एक अलग ही माहौल बन जाता है। हम अभी RNJ कॉलेज राम निरंजन जनता इंटर महाविद्यालय रामपुर मधवापुर में है। आपने देखा होगा कि विगत जो वर्ष यहाँ जो गुजरा है वहाँ क्या कुछ स्थिति रहा इस विद्यालय का और आज की जो क्या स्थिति है इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ जो विद्यालय परिवार के लोग हैं वो मौजूद है, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ स्थिति अब बदला है यहाँ। बहुत कुछ स्थिति बदला है, स्थिति तो बहुत पीछे हो गई थी पर आज के डेट में ये जो हमारे संयोजक थे भूतपूर्व नवीन कुमार मधुबनी से, वो उनकी प्रेरणा से हम लोग बहुत आगे की ओर बढ़े। और हमारे उमेश कुमार आर जो अभी प्रिंसिपल हैं उन्होंने हमारे साथ में साथ कंधा में मिलाकर बहुत सारे मेहनत किए, आज ये भवन बना और सारी व्यवस्था किए, सारे विद्यार्थी को बहुत प्रेम से गाइड कर करके विद्यार्थी की संख्या को बढ़ाएं। आज हमारे महाविद्यालय में आज सेंटर की एग्जामिनेशन हो रही है, सारी व्यवस्था बना कर करके चल रही है, ठीक है। इसी पर ये भी सारे कुछ जो भी व्यवस्थित करने की बात है तो व्यवस्थित करने में क्या कुछ चुनौतियाँ सामने आई है? बहुत सारी चुनौतियाँ, एंटी पार्टी की तरह यहाँ महाविद्यालय के कुछ टीचर ऐसे हैं जो एंटी पार्टी की तरह जैसे कुरुक्षेत्र बना कर करके महाविद्यालय के लोग रख दिए हुए हैं, जो अनुदान की राशि बरसों दर बरसों से आ करके पड़ा हुआ है उसे बटने देने के लिए चैलेंज ठोक ठोक करके यहाँ के महिलाएँ भी मैडम जो हैं सो भी जो पुरुष वो भी सारे विभाग के कम से कम 5-7 टीचर ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे महाविद्यालय परेशान। अब आज के डेट में भी हम लोग परीक्षा लिए हैं लेकिन एक बड़ा बाबू से सहयोग ले करके जिसमें हमको 2-4 गार्ड भेजे हुए हैं कि कहीं हंगामा ना के खड़ा करें, इस वजह से हम लोग डर करके भी एग्जामिनेशन ले रहे हैं लेकिन हमारे एग्जामिनेशन बहुत शांतिपूर्वक से हो रही है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो यहाँ कदाचार मुक्त रूप से जो टेस्ट परीक्षा यहाँ हो रहा है। यहाँ हमारे साथ भी कुछ शिक्षक हैं, इनसे जानेंगे। धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जी क्या कुछ बदलाव लगा है यहाँ? देखिए मुझे तो यहाँ तकरीबन 9 महीने समथिंग हो रही है यहाँ आया हुआ, और मैंने जब यहाँ आया तो मुझे लगा, मैं बैंक में था पहले और बैंक से जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा एजुकेशन हब होगी और मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड यहाँ हमने किया तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यहाँ एजुकेशन हब जो है वह कहीं ना कहीं वो बहुत दूर है, वो बन नहीं पा रहा है। अभी जो नया में सर के और मैडम सब के माध्यम से जो खास करके जो एजुकेशन हब बनाने का तैयारी किया गया जिसमें नए शिक्षकों की बहाली कर यहाँ क्लास विधिवत रूप से चलाया गया, यह कहीं ना कहीं सकारात्मक रहा। और इसी सकारात्मक के दिशा को पहल करते हुए ये भवन निर्माण भी हुई है। जैसा सुनने में आ रहा था कि पहले यहाँ जो सेंटर एग्जाम होती थी इस महाविद्यालय में नहीं होती थी। एक साल के लिए नहीं हुई जिसमें हमारा मकान क्षतिपूर्ति था, मकान हमारा टूट जाने के कारण हमारा कस्तूरबा स्कूल में एक साल के लिए सिर्फ एग्जामिनेशन हुई थी वहाँ। ये जब हम आए यहाँ तो मुझे जानकारी हुई कि कस्तूरबा गांधी में जो है एग्जाम होती है, लेकिन इस बार जब हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में भी एक उत्साह बढ़ी है और हम लोग भी यहाँ जो है श्रमदान के रूप में जो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा श्रमदान की है तो आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ नए शिक्षक भी आए हम देख रहे हैं, 2-4 लोग हैं यहाँ, तो क्या कुछ जो मेहनताना है जो वेतन है क्या कुछ इस तरह का कोई व्यवस्था है अभी? देखिए अभी तो फिलहाल ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, बोनस के तौर पर हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत दिया जाता है, आगे सर की प्लानिंग चल रही है जी, पर्व उपहार के रूप में जो हम लोगों को कुछ जो है मिलता है। अभी फिलहाल जो है सैलरी की बात है तो सैलरी ऐसा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। आगे देखना चाहिए कि आगे अगर हम लोगों ने बेहतर काम किया यहाँ, कॉलेज के प्रति हम लोगों की सद्भावना अच्छी रही और कॉलेज को प्रगति। आप बैंक का जॉब छोड़ के यहाँ आए हैं? जी, मैं तो बैंक में तकरीबन मुझे 35,000 रुपया वहाँ मिल रही थी, 35,000 रुपया मैं वहाँ कमा लेता था, ठीक है। वहाँ मेरा बेसिक सैलरी 25,000 था, 25,000 रुपया था और जो वहाँ भी आपको मिलता है वो मिल करके 35,000 तक आ ही जाता था। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शिक्षा से जो जुड़े लोग होते हैं, शिक्षा के प्रति जिनका प्रेम होता है वो अपना सब कुछ शिक्षा के प्रति देने को तैयार होते हैं। हमारे साथ राकेश नायक जी हैं। राकेश जी क्या कुछ बदलाव राम निरंजन जनता इंटर महाविद्यालय में हुआ है? जी धन्यवाद मधुबनी न्यूज़ को देखने वाले को और ख़ासकर नागवंशी जी आपको कि मधवापुर आज महाविद्यालय में आप यहाँ आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और रही बात आप यहाँ के विकास की बात कर किए हैं तो मैं इस महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ और उस काल से मैं देखते आया हूँ जो व्यवस्था शुरू में ही था वैसी व्यवस्था अभी तक बनी आ रही थी, लेकिन इस वर्ष जो आपने देखा है एग्ज़ाम का जो तरीका है वो बिल्कुल नया है, बिल्कुल एक बहुत अच्छा तरीके से लिया जा रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं, जो भी बच्चे यहाँ आए हैं सभी खुश होकर के जाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात आपको बता दें कि यहाँ पर क्लास रेगुलर नहीं चलता था। हम जिस टाइम में पढ़ते थे तो समझिए 10 से 20 बच्चे ही रेगुलर आया करते थे,
लेकिन अभी का जो स्थिति है, आप कभी आएंगे तो देखेंगे लगभग जिस विषय में, प्रत्येक विषय में आप देखेंगे, प्रत्येक फैकल्टी में आप देखेंगे कि लगभग 100 से अधिक बच्चे प्रतिदिन क्लास करने आते हैं। तो क्लास करने से क्या फ़ायदा होता है कि लोग सीधे उसे बेनिफिट पहुंचता है उसे शिक्षण संस्थानों से जुड़ने से, क्योंकि देखिए आज नागवंशी जी, लोग कोचिंग संस्थान के भरोसे रह जाते हैं अन्य जगहों की बात मैं करता हूं तो, लेकिन कॉलेज आने से सर्वांगी विकास होता है, जो एक शिक्षा का सही अर्थ होता है सर्वांगी विकास करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट का। और इस कॉलेज में खेल के बात की जाए, यानी कि शिक्षा के बाद अगर सामूहिक सर्वांगी विकास की बात हम करते हैं तो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, उसमें खेल है, उसमें डिबेट सिखाए जाते हैं, भाषण देने के सिखाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इस महाविद्यालय में एक साल के अंदर जब से प्रिंसिपल प्रोफेसर उमेश कुमार आरजी सर बने हैं और हमारे बरसर रजनी मैम जो बनी है, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन हम देखते हैं, लगता है मानो कि इस यहाँ के लिए हम लोग के लिए देवता है, क्योंकि इन लोगों का जो सक्रियता रहा। कुछ दिन पहले की जब बात हम देख रहे थे, जब विधायक जी विद्यालय में आए, SDM मुकेश रंजन जी थे, ये जो विवादित चीज़ है, क्या कुछ विवाद से उबर करके फिर आना, फिर इसको व्यवस्थित करना कितनी चुनौती रहा? सबसे पहले विवाद पे आप हमसे पूछते हैं तो विवाद, ऐसी कौन सी संस्थान नहीं जो विवाद नहीं होती है। होता है क्या है कि आप कभी देखता किसी का डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग यहाँ चाहते हैं कैसे उसको विवादित बनाएं जिससे कि डेवलपमेंट रुके। कुछ लोग विकास को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग विकास के खिलाफ में रहते हैं, कभी आप देखते हैं विकास को लोग पागल तक बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास तो दिखता है, सूर्य की रोशनी, अगर आप आँख कितना देर बंद करेंगे, सूर्य की रोशनी जब आप आँख खोलेंगे तो प्रकाशित आपको करेगा ही करेगा। इसीलिए अगर आप बात करते हैं तो विवाद के समय में भी कॉलेज को डेवलपमेंट करने के लिए ही किया गया था। तो इसमें अभी आपको मैं बता दूं, वर्तमान समय में विवाद के समय में आप देखेंगे सारा छज्जा वगैरह खत्म हो गया था, अब किस कारण से खत्म हो, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पूरे इस पे छज पे रखा गया है, एस्बेस्टस चढ़ाए गए हैं, प्लास्टर का कार्य चल रहा है, अभी क्लासरूम में बेंच टेबल की सुव्यवस्थित तरीका से लोग एग्जाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित ही यहाँ पर जो मैं भी देख पा रहा हूँ कि जिस तरह से व्यवस्थित किया गया है वो काबिले तारीफ है, और इलाके के जो छात्र है, जो अभिभावक है, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अब ये कॉलेज वो नहीं रहा, यहाँ सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है, आप अपने बच्चे को भी इस कॉलेज में भेज सकते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ छात्राएँ हैं, इनसे हम जानेंगे, बताइए क्या कुछ यहाँ बदलाव आपको नज़र आया? यहाँ पर बहुत सारी बदलाव आई है, हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, हमें पढ़ाते हैं, और हमारी मैडम भी बहुत अच्छी है रजनी मैम, और हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, कॉलेज हम प्रतिदिन आते हैं। क्या कुछ लाइफ में क्या कुछ करना है आगे? हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है, और कुछ एम होता है ना कि आगे जा करके मुझे यही करना है? हाँ, आगे जा करके मुझे आर्मी बनना है। कुछ और स्टूडेंट हैं, इनसे जानेंगे, बताइए क्या कुछ लगा यहाँ का जो शिक्षक है, जो व्यवस्थाएँ हैं, क्या कुछ है? जैसे पहले यहाँ पे था कि कोई एग्जाम कुछ नहीं चलता था, क्लास व्लास कुछ नहीं होता था, अब यहाँ पे रेगुलर क्लास कराया जाता है, हम लोग प्रतिदिन क्लास आते हैं, इसी सब के वजह से बदलाव यहाँ पे पहले की व्यवस्था से अभी बहुत बदलाव चल रहा है यहाँ पे। पहले से बेहतर व्यवस्था और बेहतर बदलाव हुआ है, ये यहाँ के जो छात्राएँ हैं वो बता रही है। हम कुछ छात्राएँ इनसे भी जानेंगे, ये बताइए आप लड़कियों के लिए कितनी चुनौती होती थी जब पढ़ने के लिए यहाँ से मधुबनी दरभंगा बेनीपट्टी जाना पड़ता था, आज आप घर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सी लड़की को जाने भी नहीं दिया जाता था उतना दूर, और अब मतलब लोग पास में कॉलेज है तो आ भी सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं गार्जियन भेजते थे पहले। पास में कॉलेज है, घर में है, घर के बगल में है, तो क्या होता है कि खास करके लड़कियों को ये सुविधा मिला है कि यहाँ आकर के रेगुलर क्लास करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। यहाँ कॉलेज पहले नहीं अगर होता था, पहले के ज़माना में अगर आज भी नहीं होता तो लड़कियों को कितनी परेशानी होती, और आज जो कॉलेज है जो व्यवस्थित हो चुका है या पढ़ाई होती है तो कितना सुविधा महसूस करते हैं? यहाँ पर पहले कॉलेज नहीं था इसलिए उस परेशानियाँ होती थी लड़कियों को, जिससे मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और इसके बाद जहाँ जब से कॉलेज यहाँ पर खुला है तब से यहाँ पर मतलब एजुकेशन भी डेवलप हो रहा है, यहाँ का सिस्टम भी डेवलप किया है कुछ दिन से देख रहे हैं, और यहाँ पे जैसे कि लड़की सभी ज़्यादातर संख्या में पढ़ने आ रही है, बहुत दूर दूर से आ रही है। नहीं, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लड़कियाँ भी अब आगे है। जी निश्चित ही लड़कियाँ भी आगे है, और यहाँ की जो लड़की है चाहे छात्र छात्रा है जागरूक है, लोग यहाँ रेगुलर आ करके क्लास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति खुद को सचेत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सारिका कुमारी। रेगुलर क्लास करते थे आप? जी सर। क्या कुछ लगा है यहाँ इस विद्यालय में, आज एग्जाम दे रहे हैं आप, आपका शायद लास्ट होगा यहाँ, तो क्या कुछ लगा, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ है?
सर यहाँ की व्यवस्था मतलब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि यहाँ के जो आर जे सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, जब से वो सर मतलब इस कॉलेज में आए हैं, इस कॉलेज में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ तक इस कॉलेज का उतना कोई मतलब नाम भी पहले नहीं था, और जब से मतलब कि आर जे सर इस मतलब कि जब से आर जे सर आए हैं तब से जो व्यवस्था है यहाँ का व्यवस्था बदल चुका है और छात्रों को सहूलियत ही होती है। बताइए कैसा कुछ है? बहुत अच्छा यहाँ का है, सर मैम सभी बहुत अच्छे हैं। हम लड़कियों को जो मतलब पढ़ाने के लिए माँ बाप तैयार नहीं होते, वहाँ यहाँ पर फ्री में शिक्षा मिलता है और बहुत अच्छा यहाँ का मैम सर। जो लड़कियों को जो अभिभावक होते थे वो पढ़ाने को तैयार नहीं होते थे, आज स्थिति यह है। यह ग्रामीण क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि मेरे आसपास जितनी भी लड़कियां यह सब छात्रा है और घर से निकल करके ये लोग यहां करके पढ़ाई करती है। तो बने रहे हमारे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमारा यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा पेज देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।